हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि खटमल से छुटकारा कैसे पाए। खटमल एक ऐसा जीव है जिससे सामना हमारा जीवन में कभी ना कभी पड़ ही जाता है और इससे छुटकारा पाना भी बहुत ही कठिन काम है। आज मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बता रही हूँ जिनको अपनाकर आप बिल्कुल खटमल से छुटकारा पा लेंगे। आमतौर पर खटमल बिस्तर, सोफे या अलमारियों में देखने को मिलते हैं। घर में खटमल होने के कारण ना तो हम रात को ठीक से सो पाते हैं, बेचैनी सी रहती है और ये हमारे शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार तो खटमल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के इन्फेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। खटमल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कभी भी दिन में नहीं निकलते हैं। जब हम रात को लाइट बंद करके सोते हैं तब ये अपने गुप्त ठिकानों में से निकलना शुरू करते हैं और हमें सोते हुए काटते हैं और हमें इतना परेशान कर देते हैं कि रात भर हम ठीक से सो भी नहीं पाते। खटमल बहुत ही छोटा जीव होता है और ये बेहद खतरनाक भी। ये जिस भी जगह पर काटते हैं उस जगह खुजली, लाल चकत्ते, फफोले या इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनकी मदद से आप इन्हें जड़ से खत्म कर सकते हैं और वो भी सरल और घरेलू तरीकों से। सबसे पहले इसमें आता है केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। खटमल को मारने का सबसे सरल और कारगर उपाय है ये। आपको खटमल जहाँ भी होने का शक है वहाँ पर केरोसिन का एक पोछा लगा दें। केरोसिन की गंध से खटमल बाहर आने लगेंगे और मरने लगेंगे, क्योंकि खटमल केरोसिन की तेज स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो जल्दी जल्दी बाहर आने लगते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बिस्तर में धूप लगाना। धूप लगाना बिस्तरों में समय समय पर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि खटमल सबसे ज्यादा गंदगी वाली जगह में ही पनपते हैं, इसलिए बिस्तर साफ रखने बेहद जरूरी हो जाता है। घर के जिन बिस्तरों में खटमल हो रहे हैं उन्हें धूप में सुखाएं। धूप के संपर्क में आने के बाद खटमल बिस्तर से भाग जाते हैं और बेडशीट आदि को अच्छी तरीके से डिटोल से धो लें। इससे खटमल से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही अपने घर के पर्दे, चादर, इनको हफ्ते की हफ्ते जरूर धोएं। इनकी धुलाई के दौरान ही कई खटमल चादर और पर्दों से भी निकल जाते हैं। तो धूप दिखाना, कपड़ों की सही से धुलाई करना, डिटोल में क्लीन करना बहुत ही जरूरी है अगर आपको थोड़ा भी शक है कि खटमल पैदा हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है पुदीना। घर से खटमल भगाने के लिए पुदीना भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके प्रयोग के लिए कुछ पुदीने की पत्तियां लें और अपने बिस्तर के पास रख दें। पुदीने की तीखी गंध को खटमल सहन नहीं कर पाते और आसानी से बिस्तर से दूर चले जाते हैं। इसी तरह अपने घर के बच्चों के बिस्तर के नीचे भी कुछ पुदीने की पत्तियां तोड़कर रख दें। इससे हमेशा के लिए खटमल से मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट आता है कायन पेपर। एक तरीके की लाल मिर्च होती है। इसे बर्ड पेपर, काउहॉर्न पेपर, अलेवा भी कहते हैं। ये आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका पाउडर मिलता है या आप मिर्च का पाउडर भी पीस कर बना सकते हैं। कायन पेपर से खटमल बहुत ही जल्दी भागते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप इस मिर्च का पाउडर बनाकर खटमल पर छिड़क सकते हैं। नेक्स्ट आता है नीम का तेल। नीम के तेल में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जिसकी वजह से आप आसानी से खटमल को दूर कर सकते हैं। घर की सभी चीजों पर नीम के तेल का छिड़काव करें। करीब एक सप्ताह तक इसका इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा नीम के तेल को डिटर्जेंट के साथ मिलाकर भी इससे कपड़े धोए जा सकते हैं। इससे खटमल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है टी ट्री ऑयल। टी ट्री का तेल अपने एंटी माइक्रोवेल प्रभाव के लिए जाना जाता है। ये खटमलों से निजात पाने के लिए भी बहुत ही कारगर है। टी ट्री के तेल की एक बड़ी बॉटल खरीदें, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे पतला कर लें और अब इस स्प्रे को एक स्प्रे वाली बोतल में भर करके जहाँ पर भी खटमल है उन जगहों पर स्प्रे करें। गद्दे, कपड़े, इन सभी चीजों पर जहाँ भी आपको लगता है कि खटमल हो सकते हैं, एक हफ्ते लगातार इसका छिड़काव करें। आप खुद पाएंगे कि खटमल से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। नेक्स्ट है नमक। हमारे घर में हमेशा रहता है नमक। खटमल को मारने के लिए बहुत ही कारगर है। इसके प्रयोग से भी आप काफी हद तक खटमल से निजात पा सकते हैं। इसके लिए बस आपको ये करना है कि आप नमक को जहाँ पर भी खटमल हो रहे हैं उस जगह पर छिड़कें। इससे घर में हो रहे खटमल आसानी से खत्म हो जाते हैं और ये सभी प्रयोग आप वक्त वक्त रिपीट करते रहें, जिससे कि आपको जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है प्याज। प्याज भी खटमल को मारने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। प्याज खटमल को मारने के लिए एक प्राकृतिक, आप कह सकते हैं, औषधि है। इसकी गंध से खटमल की सांस बंद हो जाती है और वो आसानी से मर जाते हैं। इसके प्रयोग के लिए आप प्याज को पीस लें और उसका रस निकाल लें। अब इस रस को खटमल वाले जगह पर छिड़कें।
इससे घर में खटमल बिल्कुल भाग जाएंगे और सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये खटमल प्याज की स्मेल बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। प्याज की स्मेल से खटमल बिल्कुल भाग जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है नीलगिरी। नीलगिरी का तेल, जिसे आप यूकेलिप्टस ऑयल भी बोलते हैं, बहुत ही कारगर है खटमल को खत्म करने के लिए। आप क्या करें कि कुछ बूंद आप नीलगिरी तेल की लें, कुछ रोजमेरी ऑयल की और कुछ लेवेंडर की। ये बहुत ही बढ़िया एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। इनसे मच्छर मक्खी के साथ साथ आप खटमल को भी दूर कर सकते हैं। तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके स्प्रे बॉटल में भर लें और उसका स्प्रे करें जहाँ पर भी खटमल हो रहे हैं। आपको खटमल से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। और सबसे लास्ट में बहुत ही जरूरी चीज है वैक्यूमिंग। अगर आपके घर के बिस्तर में खटमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आप बिस्तर की वैक्यूमिंग करें। वैक्यूमिंग करने के लिए आप बिस्तर को अलग अलग निकाल कर झाड़ दें। इसके बाद बिस्तर को बेड में बिछाएं। रोजाना अपने बिस्तरों को झाड़ कर ही बेड पर बिछाएं। कुछ दिनों तक ऐसा करने से खटमलों की संख्या धीरे धीरे करके कम होने लगेगी और तुरंत ही बिस्तर को धूप भी लगाएं और साथ ही चादर की धुलाई करें डिटॉल डालकर। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जिससे साफ सफाई बनी रहती है, खटमल आदि और दूसरे कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते हैं। इसी तरह आप अपने सोफे को भी पूरा खाली कर लें और वैक्यूम क्लीनर से सफाई करें। घरों की दरारें भी खटमल की बहुत ही प्रिय जगह होती हैं, इसलिए वहां भी सफाई करना बिल्कुल न छोड़ें। वैक्यूम क्लीनर से सारे घर में हफ्ते में 3 बार सफाई कर दीजिए। घर से सारे खटमल या कीड़े बिल्कुल भाग जाएंगे। और समय समय पर घर की सफाई करते रहें जिससे घर में गंदगी ना रहे और बीमारियां ना फैलें। तो ये थे बहुत ही अच्छे घरेलू उपाय जिनसे आप खटमल को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इन्हें आप आसानी से अपना कर बहुत ही कम कीमत में अजमा भी सकते हैं और इसका फायदा भी उठा सकते हैं। आप जरूर ट्राई करें इन सभी घरेलू उपाय को, तो आपको भी खटमल से बहुत ही जल्दी राहत मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमेशा की तरह लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।